हे एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर। ये करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सीरीज में सेकंड लेक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हेंटा वायरस की। हेंटा वायरस क्यों आया है सीन में? चाइना में एक इंसान की मौत हो गई है हेंटा वायरस की वजह से, और जहाँ ये वर्ल्ड में ऑलरेडी कोरोना वायरस का आउटब्रेक है, वहाँ पर हेंटा वायरस का आना अब आपको डरना चाहिए कि नहीं चाहिए, घबराने वाली बात है या नहीं है, कितना ग्रेव है, ये सब मैं बताऊँगी इस क्लास में। अगर आप चाहें तो मेरे बारे में स्लाइड पे से पढ़ सकते हैं। अभी हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस चल रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने ये नहीं लिया है तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, मतलब किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको यूपीएससी सीएससी पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आपको कुछ मंथ्स का और ईयर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 months का है। अगर आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो 6 months का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, क्योंकि आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करते हैं, और जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का आप लेते हैं उतना इफेक्टिव पर मंथ कॉस्ट आपको कम पड़ता जाता है। और अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 12 month का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि मिनिमम 1 year की प्रिपरेशन चाहिए होती है। इस पर अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे रजनी लाइफ, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोड याद रखिएगा, रजनी लाइफ। तो क्या थी न्यूज़ अभी इस टाइम पे, जहाँ पे कोरोना वायरस इतना आउटब्रेक हो रहा है, उस टाइम पे यूनान प्रोविंस में एक मैन की डेथ हो गई थी, जब वो शांगडोंग प्रोविंस से वापस आ रहा था काम करके बस पे 32 और लोग थे, उनको भी टेस्ट किया गया। जब इस आदमी को टेस्ट किया गया तो पाया गया कि हेंटा वायरस इन्फेक्शन है इसे। देखिए, हेंटा वायरस क्या होते हैं, ये अगेन एक फैमिली ऑफ वायरसेस है, एक वायरस नहीं है, फैमिली ऑफ वायरसेस है, जो मेनली रोडेंट्स से फैलता है। मेन कैरियर इसका होता है रैट, वो भी हर रैट नहीं, कुछ स्पेसिफिक होता है जिसके हम अभी बात करेंगे, और ये रोडेंट से इंसानों में फैलता है। ठीक है, हर जो टाइप है हेंटा वायरस का उसका अपना रोडेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर हेंटा वायरस है, इसका डियर माउस है, ये पर्टिकुलर हेंटा वायरस है, इसका राइस रैट है, तो ऐसे करके अलग अलग का अलग अलग कैरियर होता है। जैसे डियर माउस प्राइमरी कैरियर है, अगर आपसे पूछा जाए हेंटा वायरस का प्राइमरी कैरियर क्या है, मेनली किससे होता है, तो ये डियर माउस से होता है, जो आपको मैं पिक्चर नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी। ज़्यादातर केसेस जो नॉर्थ अमेरिका में हुए हैं हेंटा वायरस से, क्या होता है हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी जैसे ही आ जाए, पल्मोनरी मतलब लंग्स, मतलब फिर से क्या है ये रेस्पिरेटरी वाली प्रॉब्लम होगी इसमें भी। तो हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, ज़्यादातर जो केसेस आए हैं वो डियर माउस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, इसकी वजह से आए हैं। ठीक है, उसके अलावा भी और कुछ हेंटा वायरस कैरियर्स हैं, जैसे कि वाइट टेल्ड माउस, कॉटन रैट और राइस रैट। ठीक है, वाइट टेल्ड माउस, कॉटन रैट और राइस रैट। तो देखिए ये वाला है, ये आपको दिख रहा है, इसकी टेल वाइट है, तो ये है वाइट टेल्ड माउस। ये वाला है कॉटन रैट और ये वाला है राइस रैट। ठीक है, अब देखिए हेंटा वायरस के लिए जो मैंने अभी बताया था आपको, डियर माउस का आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि मेन कैरियर यही है। ठीक है, हेंटा वायरस का मेन कैरियर यही है। क्या नाम है इसका बायोलॉजिकल नेम, पेरोमिस्कस मैनिकुलेटिस। बॉडी साइज 2 to 3 inch होता है। अब ये इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हाउस माउस होता है, जो घर में जनरली चूहे मिलते हैं, उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसका जो फर होता है ना ऊपर, ये जो फर है ये 2 tone का होता है। ठीक है, 2 color का फर होगा, और आईज और ईयर्स ज्यादा बड़े होंगे डियर माउस के। उसके अलावा जैसे हाउस माउस है, यहाँ पर देखो ये हाउस माउस है। ठीक है, ये रूफ या ब्लैक रैट है, ये नॉर्वे या ब्राउन रेड है, इन सब की वजह से हेंटा वायरस नहीं होता। तो अगर आप मुझे सवाल पूछे कि मैं हमारे घर में जो चूहे हैं उसकी वजह से हो सकता है क्या, तो नहीं, उसकी वजह से नहीं हो सकता, अनलेस आपके घर में डियर माउस हो। क्लियर। नेक्स्ट, इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी हमने इससे होता क्या, पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, मतलब लंग्स का इन्फेक्शन होता है, मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। तो इसके भी वही सारे सिम्टम्स होंगे जो आपने कोरोना वायरस के देखे हैं, मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स वैसे ही होंगे जो नॉर्मल फ्लू के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे बुखार आ जाना, चिल्स होना, हेडेक, मसल एक, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, इस टाइप के। और देखिए अर्ली स्टेज में जब फ्लू लाइक साइंस दिखा रहा है, तब ऑब्वियसली आप ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि आपको हेंटा वायरस इन्फेक्शन है या नॉर्मल फ्लू है, राइट, ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है या निमोनिया है। कुछ 4 to 10 days के अंदर जिसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो अब क्या आएगा, जो चीज़ें बच गई थी रेस्पिरेटरी में वो सारी अब आएंगी, जैसे कॉफ, ठीक है,
सिक्रेशन के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंग में फ्लूइड एक्युमुलेट होना, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाना, हार्ट मतलब आपका जो फंक्शन कर रहा है जिस स्पीड से वो कम हो जाएगा। मोस्ट कॉमन डिजीज जो है हेंटावायरस से वो क्या है, हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। अगर आपसे पूछा जाए हेंटावायरस से क्या होता है, दो डिजीजेस होती हैं हम वो पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमन है, हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। क्या है हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम? हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसके बिल्कुल फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अगर ये बढ़ जाए, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसे मतलब आपकी जान भी जा सकती है, फेटल है ये। सेवरल टाइप ऑफ हेंटावायरस कैन कॉज हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। जैसे मैंने आपको बताया हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं, मेनली अलग अलग टाइप के रोडेंट्स की वजह से होता है, स्पेशली डियर माउस की वजह से होता है। अब इन्फेक्ट कैसे होते हैं, जैसे ही जो भी आपके रोडेंट्स हैं उन्होंने यूरिन किया है या ड्रॉपिंग्स किए हैं, आपने देखा होगा रोडेंट्स कहीं पर भी ड्रॉपिंग्स करके चले जाते हैं, राइट, जो एक्सक्रीट करते हैं, तो यूरिन किए हैं या ड्रॉपिंग्स किए हैं, आप उस पर झाड़ू लगाओगे वो हवा में उड़ेगा और उसके जो वायरल पार्टिकल्स हैं वो हवा में चले जाएंगे, फिर वहाँ पे जो सांस लेगा उसको हो जाएगा हेंटावायरस का इन्फेक्शन। तो इस तरीके से ये फैलता है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास ज़्यादा नहीं है, ट्रीटमेंट अभी तक इसका कुछ बहुत ज़्यादा सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं आया है, ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन की, रोडेंट से दूर रहिए। अब रूट ऑफ ट्रांसमिशन को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला रूट ऑफ ट्रांसमिशन है इनहेलेशन, कि वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो रोडेंट्स हैं जब वो ड्रॉपिंग्स करते हैं यूरिन या सलाइवा जो उनका होता है, अगर उस पर आपने झाड़ू मार दिया और वो हवा में आ गया तो इसको एरोसोलाइजेशन कहते हैं, जब हवा में आ जाए मतलब एरोसोलाइजेशन, तो एरोसोलाइजेशन हो गया उस वायरस का, उसके बाद जब जो भी वहां पे इनहेल करेगा, जो भी वहां पे जाके सांस लेगा उसको ये हो सकता है, ठीक है। एक बार आपने हेंटावायरस को इनहेल कर लिया तो वो आपके लंग्स में जाते हैं और आपके कैपिलरीज को इन्वेट करना शुरू करते हैं। कैपिलरीज क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, उनको कहते हैं कैपिलरीज। तो अब वो क्या करते हैं, लंग्स में जाके आपकी कैपिलरीज पर अटैक करते हैं और वो कैपिलरीज फिर ब्रेक हो जाती है और वो लीक करने लग जाती है। उससे क्या होगा, देखिए अभी क्या था, ये आपका लंग जो है उसमें कैपिलरीज है, यहाँ पे कैपिलरीज में थोड़ा थोड़ा लीक होना शुरू हो गया, तो आसपास फ्लूइड भरने लग जाएगा, तो आपका जो लंग है उसमें फ्लूइड भरने लग जाता है और इसी की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम में यही होता है कि आपका जो लंग है उसमें फ्लूइड भरने लग जाता है क्योंकि कैपिलरीज लीक करने लग जाती है और इससे हो जाता है हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। वैसे भी कहीं पर भी आप पल्मोनरी वर्ड देखो तो इससे समझ जाना आप लंग्स की बात कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन। जिस जो पर्सन नॉर्थ अमेरिका में हेंटावायरस से हुए थे, इन्फेक्ट हुए थे, वो कंटेजियस तो नहीं है, वहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन साउथ अमेरिका में जो थोड़े बहुत हुए थे वहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रहा था, ठीक है। वैसे इसके चांसेस कम है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन के चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है जो कि रेयर है, इसलिए ये एक अच्छी बात है। देखिए अगर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है तो किसी भी डिजीज को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं है, इसको रोकना थोड़ा आसान है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, देखिए हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम जो है मोस्टली रूरल एरियाज में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, रूरल एरियाज ऑफ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, किस सीजन में, स्प्रिंग और समर सीजन में यहाँ, और इसके अलावा साउथ अमेरिका और कैनेडा में भी ये देखने को मिलता है। कुछ हेंटावायरसेज जो है एशिया में भी हैं वो किडनी डिसऑर्डर करते हैं, वो लंग प्रॉब्लम नहीं करते। ये वाले जो हेंटावायरस है जो एशिया में है वो लंग प्रॉब्लम्स नहीं करते, किडनी डिसऑर्डर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया हेंटावायरस फैमिली ऑफ वायरसेज है, राइट, अगर ये फैमिली ऑफ वायरसेज है तो अलग अलग हेंटावायरस कुछ कुछ करते होंगे, तो मोस्टली रूरल एरियाज में मिलते हैं यूएसए के, और कुछ साउथ अमेरिका में और कैनेडा में भी। एशिया में जो मिलते हैं वो किडनी डिसऑर्डर कॉज करते हैं। इसके अलावा देखिए किसमें हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा है, उसमें जो रोडेंट्स के आसपास रहते हों, काम करते हों या खेलते हों। ऑब्वियस सी बात है, आप ये जो रोडेंट्स हैं, माउस वगैरह हैं जो कॉज करते हैं, अगर उनके आसपास आप ज़्यादा रहते हैं तो जो एरोसोलाइजेशन है वायरस का वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको भी ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो रिस्क है, जो फैक्टर्स हैं जो रिस्क को बढ़ाते हैं, वो क्या है कि आप बहुत लंबे समय से जो बिल्डिंग या शेड्स बंद थे उनको आप खोलिए और क्लीन कीजिए, उस केस में आपको स्पेशली वहाँ पे रोडेंट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उनके फीसेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं।
यूरिन वगैरह मिलने के चांसेस ज़्यादा है, एरोसोलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा है, तो इस केस में बढ़ सकता है। दूसरा, हाउस क्लीनिंग जब आप करते हैं, स्पेशली अगर आप चले जाए ग्राउंड अंडरग्राउंड चले जाए, वो जो आपके स्टोर रूम वगैरह होते हैं उन एरियाज़ में अगर आप चले जाएँ जहाँ पे लोग आते जाते नहीं हैं, उन एरियाज़ में अगर आप चले जाएँ घर के और वहाँ क्लीन करने जाएँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वही सेम रहेगा कि वहाँ पे जहाँ पे भी ज़्यादा देर तक कोई नहीं रहता वहाँ पे चूहे और अलग रोडेंट्स और बाकी सारे जो एनिमल्स हैं, मतलब छोटे छोटे जो घर वाले होते हैं चींटी वगैरह, वो आने लगते हैं, राइट। उसके बाद और कैसे बढ़ सकता है कि आपका जो वर्क स्पेस है जहाँ पे आप काम करते हैं वो रोडेंट से भरा हो, इससे भी हो सकता है। फिर रोडेंट्स वाले एरियाज में आप अगर काम करते, जैसे कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज वहाँ पे आपने देखे होंगे जनरली जो चूहे होते हैं उधर भागते रहते हैं, ऐसे पेस्ट कंट्रोल वाले जो लोग हैं उनका काम ही पेस्ट कंट्रोल का, तो रोडेंट्स के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आते हैं। कैंपिंग, हाइकिंग और हंटिंग पे अगर आप जाओ, इन सारे एरियाज में रोडेंट्स के मिलने के चांसेस ज़्यादा है, रैट्स के मिलने के चांसेस ज़्यादा है। बस ये समझ लो जितने ज़्यादा रैट्स के मिलने के चांसेस है उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको हेंटावायरस पल्मोनरी डिजीज हो जाए। अब आप पूछेंगे कि हम डॉक्टर को कब देखें, कब ऐसा हमें कैसे पता चले कि अब हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अगर आप कभी भी अभी रिसेंट टाइम में रोडेंट्स के ड्रॉपिंग्स के आसपास रहे हैं, या आपको फीवर, चिल्स, मसल एक, किसी भी तरीके की ब्रीदिंग की डिफिकल्टी हो रही है, जो बेसिकली भी कोरोना वायरस का भी है, सेम वही सारी चीज़ें इसकी भी है, लेकिन अगर आपको लगता हो कि आप अभी रोडेंट्स के आसपास कहीं पर थे, ठीक है, तो उस केस में आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसके, पहला ब्लॉक एक्सेस, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि जो रोडेंट्स का एक्सेस है कि रोडेंट्स हमारे तरफ आ नहीं पाए, उनको उनका एक्सेस ही रोक दो। कैसे, हमको पता है कि माइस जो चूहे होते हैं वो छोटे से छोटे होल से भी स्क्वीज कर सकते हैं, ठीक है, कितने होल से, 6 मिलीमीटर वाइड होल से भी वो स्क्वीज कर सकते हैं, तो ये सारे होल्स जो है उनको सील कर दो वायर स्क्रीनिंग से, मेटल फ्लैशिंग से या सीमेंट से। फूड का बुफे ख़त्म करो, मतलब क्या है, अपने डिशेस को प्रॉपरली वॉश कीजिए, काउंटर्स और फ्लोर्स को प्रॉपरली क्लीन कीजिए, अपना खाना चाहे पेट का खाना हो या आपका खाना हो एयर टाइट कंटेनर में, रोडेंट प्रूफ कंटेनर में सेव कीजिए, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि जनरली क्या होता है जो चूहे होते हैं इधर उधर आते हैं, बाहर अगर खाना होगा तो वहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए खाना दूर रखो, नहीं होगा तो चूहे नहीं आएंगे। नेक्स्ट, रेस्टिंग रिड्यूस नेस्टिंग मटेरियल, क्या मतलब, जैसे कि जो जंक होता है कहाँ पे मिलते हैं ये जो रोडेंट्स वगैरह होते हैं ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, ऑब्वियसली जो बिल्डिंग का या तो बेसमेंट हो या फिर स्टोर रूम हो जहाँ पे जंक वगैरह पड़ा हो, घास ज़्यादा हो, ऐसे एरियाज में ज़्यादा मिलते, तो इन सबको रिड्यूस कर दो। फिर ट्रैप्स, ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रोडेंट्स हैं तो उनके लिए ट्रैप्स सेट कीजिए, आपको पता होगा चूहों के लिए ट्रैप्स आते हैं, ठीक है, तो ट्रैप्स सेट कीजिए। इसमें पॉइजन बेट ट्रैप्स भी आते हैं, मतलब पॉइजन वाले ट्रैप्स भी आते हैं, तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए भी हो सकता है प्रॉब्लमैटिक अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो नॉर्मल ट्रैप्स आते हैं चूहों के लिए वो यूज़ कीजिए और उससे इनको दूर रखिए। तो आपको मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको बताती हूँ, फिर ये सुनना ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। पहला, क्या हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है क्या, तो हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम एक सीवियर है, एक सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज है जो जिससे आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। क्या है ये, एक पल्मोनरी इन्फेक्शन है, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है। जो भी रोडेंट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं उनका उनके पास ये रिस्क होता है कि वो हेंटावायरस कैच कर लें, राइट। उसके बाद चिली और अर्जेंटीना में बहुत रेयर केसेस मिले हैं जहाँ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन देखे गए हैं, वो भी सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट वाले पीपल में। जनरली इसके पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, पर कुछ रेयर केसेस में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी देखे गए हैं। ये सब किसने बताया है, CDC ने, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूनाइटेड स्टेट का है, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है जो भी मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सेकेंड क्वेश्चन उठता है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो एंटावायरस इन्फेक्शन के रिस्क पे हैं, तो मैंने आपको बताया जो भी रोडेंट्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी रोडेंट्स के फीसीज हैं, ड्रॉपिंग्स हैं, यूरिनेशन हो रखा है वहाँ पे, तो उस एरिया में अगर आप जाते हैं रोडेंट्स के कांटेक्ट में आते तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे ड्रॉपिंग्स वायरस ड्रॉपिंग्स यूरिन वगैरह है ज़मीन पर उन्होंने गिरा भी दी है तो ऐसा नहीं होगा कि वो एयर में ना जाए, किसी न किसी तरीके से वो एयर में पहुंच ही जाता है। एक बार एरोसोलाइजेशन हो गया, याद रखना ये वर्ड क्या बोला था मैंने, एरोसोलाइजेशन, ठीक है, एक बार एरोसोलाइजेशन हो गया उसके बाद वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ब्रीथ कर लेते हो तो आपको बहुत चांसेस हैं कि इन्फेक्ट हो ही जाएगा हेंटावायरस इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे आप ब्रीथ करते हैं वायरस पार्टिकल्स को। तीसरा सवाल आता है साइन एंड सिम्टम्स क्या है,
देखिए इसके केसेस बहुत कम है, हेंटावायरस के केसेस बहुत कम है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि इसका इंक्यूबेशन टाइम क्या है। इंक्यूबेशन टाइम क्या होता है, वो कितनी देर आपकी बॉडी में रहेगी, साइंस एंड सिम्टम्स शो करने लगेगा, कितने टाइम तक आपकी बॉडी में रहेगा वो, राइट। जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जैसे ही आपको हेंटावायरस सिम्टम होना शुरू होगा उसमें क्या क्या होगा, नॉर्मल जो फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं जैसे फटीग, फीवर, मसल एक, और जो लार्ज मसल ग्रुप से, जो बड़ी बड़ी आपकी मसल ग्रुप है, थाइज, बैक, शोल्डर एटसेट्रा, इन सब में पेन होना शुरू हो जाएगा, राइट। ये सिम्टम्स सबको हो रहे हैं, यूनिवर्सली हो रहे हैं, जहाँ पे भी ये हुए सब जगह हो रहे हैं। इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है अभी तक, उसके बेसिस पे CDC ने बताया है कि जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो फर्स्ट से 8 वीक के बीच में हो सकते हैं, जब एक्सपोजर हुआ है आपका उससे फर्स्ट वीक में भी हो सकता है 8 वीक बाद भी हो। तो देखो मतलब लिटरली ऐसा है कि आपने आप अगर किसी रोडेंट के एरिया में आए हैं, हो सकता है आपको 2 महीने बाद उसके सिम्टम्स दिखे, जब आप भूल भी गए हो कि आप कहीं गए थे। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि आप चांसेस ही अवॉइड कर दो, ठीक है, उस एरिया में जाना ही नहीं है, उनसे दूर ही रहना है। फिर नेक्स्ट है, इज द हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम फेटल, क्या इससे किसी की मौत हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। US के डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन सेंटर के हिसाब से ये फेटल हो सकता है और इसका मॉर्टेलिटी रेट 38% है। अब अगर मैं आपको बताऊं, आप में से कितने बच्चे, आपने में से जितने बच्चे ने कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा है, तो कोरोना वायरस का मैक्सिमम मॉर्टेलिटी रेट है 10%, लेकिन उससे फिर भी कितनी ज़्यादा डेथ हो रही है आपको पता होगा, तो मॉर्टेलिटी रेट इसका काफ़ी हाई है उससे। लेकिन क्या है कि इसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम है, और इसके अलावा भी इसके होने के चांसेस तभी है जब आप रोडेंट्स के बिल्कुल एकदम विसिनिटी में रह रहे हो, राइट। तो इनको अवॉइड किया जा सकता है, इसलिए इससे इतनी डेथ नहीं देखी गई है। हेंटावायरस का ट्रीटमेंट क्या है? अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है हमारे पास इस इन्फेक्शन का। बस सिम्टम्स क्या होते हैं, जो फीवर है, मसल एक है, फटीग है, ये सब जब होता है तो लोगों को लगता है कि नॉर्मल फ्लू हो गया है, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिल जाता है। लेकिन अगर आपको सच में ये हेंटावायरस का पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलती है, आप रिकवर भी कर सकते हैं और हो सकता है कि आप रिकवर ना भी कर पाए। हाउ टू प्रिवेंट हेंटावायरस, कि आप इसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, रोडेंट्स के साथ मिनिमल कॉन्टैक्ट रखो, ठीक है, वर्क प्लेस में, कैंप साइट में, जहाँ पे भी रोडेंट्स आपको हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट बिल्कुल मिनिमम रखो। अगर कहीं पे रोडेंट्स नहीं है तो वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। सवाल अब एक और आता है कि क्या हमें पैनिक करना चाहिए, अभी ये हेंटावायरस का सीन शुरू है तो क्या हमें पैनिक करना चाहिए? तो देखो अभी कुछ लोग हो सकता है पैनिक कर जाएं, क्यों? क्योंकि हेंटावायरस का केस उस वक्त आया है जब नोवेल कोरोना वायरस की वजह से करीब 4 लाख लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, और इनका इसका क्योर भी नहीं मिला है हमें। ग्लोबल डेथ टोल जो है अभी 16,500, इतने लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से अभी। तो इसीलिए इस टाइम पे हो सकता है किसी भी वायरस का अगर आउटब्रेक होता है, किसी भी वायरस का अगर केस भी आता है तो लोग पैनिक कर जाएं, लेकिन पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जैसा ये आप ट्वीट पढ़ सकते हैं डॉक्टर सुमैया शेख का, उन्होंने लिखा है, द हैशटैग हेंटावायरस फर्स्ट इमर्ज इन 1950s इन द अमेरिकन कोरियन वॉर इन कोरिया हेंटन रिवर, इट स्प्रेड्स फ्रॉम रैट और माइस इफ ह्यूमन इनजेस्ट देयर बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसमिशन इज रेयर, देयर वर इवन वैक्सीन्स डेवलप्ड फॉर इट, प्लीज डू नॉट पैनिक अनलेस यू आर प्लानिंग टू ईट रैट्स, ठीक है, मतलब पैनिक करने वाली बात नहीं है, ये इतनी जल्दी नहीं फैलने वाला है, अगर आप थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं तो ये आपको नहीं होगा, प्लस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है तो लार्ज स्केल इसका आउटब्रेक होना ना के बराबर ही है, नहीं ही होगा इसका लार्ज स्केल आउटब्रेक। तो जब तक आप ऐसा ना कर रहे हो कि आपको रैट खाने ही वाले हैं, किसी तरीके से उनका जो बॉडी फ्लूइड है वो आपके अंदर आ रहा है, इंजेस्ट कर रहे हैं, तो तब तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपने पढ़ तो लिया सारा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, 10 questions होंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ 30 seconds दूंगी, आपको सोचना है और फिर आंसर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हेंटावायरस आर स्प्रेड, और इसमें हेंटावायरस के ही क्वेश्चन नहीं है, कोरोना वायरस के भी कुछ क्वेश्चन हैं, क्योंकि कल मैंने कोरोना वायरस पढ़ाया था। हेंटावायरसेज आर स्प्रेड टू ह्यूमंस थ्रू कॉन्टैक्ट विद सर्टेन एनिमल्स, मैंने आपको बताया था हेंटावायरस एनिमल में कैसे फैलते हैं, जब वो किसी इन एनिमल ह्यूमन में कैसे फैलता है, जब वो इन एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में आता है। तो कौन से एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डियर माइस, ऑप्शन नंबर बी कॉटन रैट्स, ऑप्शन नंबर सी व्हाइट फुटेड माइस, या डी ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स है, ये कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स से क्या होता है जब उनके ड्रॉपिंग्स या यूरिन, देखिए मैं जब ये पढ़ाती हूँ तो मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ जब तक ये सेशन ख़त्म नहीं होता, ताकि आपको वो याद हो जाए साथ के साथ, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी यूरिन ड्रॉपिंग्स या सलाइवा जब एयर में मिल जाता है और वहाँ पे कोई इंजेस्ट कर लेता है उसे, इनहेल कर लेता है उसे, तो उसको हेंटावायरस पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कौन से एनिमल्स हैं, तो देखिए जब मैंने फर्स्ट पेज पे पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था डियर माइस मोस्ट कॉमन है। ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा कॉटन रैट्स, व्हाइट फुट रैट्स, और हमने एक और पढ़ा था राइस रैट, इन सब से भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द हेंटा वायरस ट्रांसमिटेड, हेंटा वायरस को ट्रांसमिट कैसे, आप उसका ट्रांसमिशन होता कैसे है। पहला, व्हेन अ माउस और रैट बाइट्स यू, जब कोई माउस या रैट आपको बाइट कर ले। दूसरा, व्हेन यू इनहेल एयरबॉर्न पार्टिकल्स दैट कंटेन द हेंटा वायरस, मतलब जो जब जिस एयर में हेंटा वायरस प्रेजेंट है अगर वहाँ पे आप इनहेल कर ले तो उसकी वजह से। व्हेन यू ईट फूड कंटेमिनेटेड विद हेंटा वायरस, जब आप हेंटा वायरस से कंटेमिनेटेड फूड खा लें, या ऑल ऑफ द अबव, कब हो सकता है। देखिए हेंटावायरस फैलता कैसे है, पहली बात तो जब आप इनहेल करते हैं, किसी तरीके से इंजेस्ट कर लेते हैं इन्फेक्टेड पार्टिकल, किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड पार्टिकल अगर आपकी बॉडी में आ जाता है तो आपको हेंटावायरस हो सकता है। तो हो सकता है कि जब रैट आपको बाइट कर रहा है उस वक्त भी क्या होगा, जब आपको बाइट कर रहा है तो उसके जो सलाइवा है वो आपके ऊपर जा सकता है, उससे हो जाएगा। अगर एयरबॉर्न पार्टिकल्स में हेंटावायरस है तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर आप हेंटावायरस से कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, दैट इज ट्रू। यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द ट्रू, आर द ट्रू ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ सिम्टम ऑफ एचपीएस, हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। पहला, फीवर ग्रेटर देन 101 डिग्री, मतलब हाई फीवर। दूसरा, मसल एक्स, मतलब मसल में पेन। तीसरा, मैंने मसल एक्स ही डाल दिया है, इसको मैं कर देती हूँ कॉफ। बताइए विच ऑफ दीज इज अ सिम्टम ऑफ हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। मैंने आपको क्या क्या बताया था, फीवर, मसल एक, कॉफ, ये सारी चीजें कुछ नॉर्मल सिम्टम्स है फ्लू के, और वही सारे सिम्टम्स होते हैं एचपीएस के, किसके, हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, इसके भी सेम सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर बच्चे गलत देंगे। पहला है एंटीबायोटिक्स से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन थेरेपी से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा है कीमोथेरेपी से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड चौथा है इनमें से किसी से भी नहीं। मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला तो कुछ बच्चे बोलेंगे एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, हर बात में एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक बिजनेस मॉडल होता है कि कुछ भी हो रहा है एंटीबायोटिक्स दे दो। आप बताओ एंटीबायोटिक्स होते क्या है, जैसा नाम पता चल रहा है एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। हम किसके लिए फाइट कर रहे हैं, वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। कोई भी एंटीबायोटिक वायरस में काम नहीं आएगी, ये मैं आपको बता दूं। जनरली जब फ्लू वगैरह भी होता है तो आप जाओगे ना दुकान पे, तो आपको दुकान पे एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं, ये भी ले लो साथ में सही रहेगा। वो इसलिए होता है, उनको बस बेचना होता है, ये एक मार्केटिंग टेक्टिक है, और लोगों को लगता है कि हाँ कुछ भी हो रहा है एंटीबायोटिक्स खा लो ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया में काम करते हैं, ये वायरल है तो ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा, ये आउट हो गया। सी देखो, कीमोथेरेपी तो कहीं बात ही नहीं हुई थी, ठीक है, किसी भी टाइप के वायरल आउटब्रेक में कीमोथेरेपी तो बात ही नहीं हुई थी। ऑक्सीजन थेरेपी बात तो इसकी भी नहीं हुई, पर आप मुझे बताओ, जब मैंने बोला पल्मोनरी है, पल्मोनरी क्या होता है, लंग से रिलेटेड है, और इसका एक बहुत बड़ा जो सिम्टम है वो क्या है,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, क्या है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, उसमें लिखा था फेटल शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, बहुत ज्यादा सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, उसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, जब आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है तो आपको ऑक्सीजन दिया जा सकता है और उसे ट्रीट किया जा सकता है, मतलब ऑक्सीजन थेरेपी कैन बी वर्क, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट देखो, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, अब 6 क्वेश्चन कोरोना वायरस के ऊपर है, जो कि कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, अभी ताजा है ये टॉपिक, तो इसको कवर कर लेते हैं। हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, ए व्हेन अ पर्सन स्नीजेस और कॉफ्स ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाय सर्फेसेज, मतलब किस वजह से जब पर्सन कोई खांसता या छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में चले जाते हैं या आसपास ग्राउंड पे गिर जाते हैं, सर्फेसेज पे गिर जाते हैं, उसकी वजह से ट्रांसमिट होता है। बी इफ अनदर पर्सन इज नियर बाय एंड इनहेल्स द ड्रॉपलेट्स और टचेस दीज सर्फेसेज एंड फर्दर टचेस हिज फेस आईज और माउथ, ही और शी गेट्स कैन गेट द इन्फेक्शन, मतलब जो एक दूसरा पर्सन जो उसके पास में ही है, जिसने खांसा या छींका है उसके आसपास में ही है और वो उस जगह उन सर्फेसेस को टच करने के बाद अपने फेस को, आईज को या माउथ को टच करता है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वहां पर ही और वहां पे इनहेल करता है ड्रॉपलेट्स तो उससे भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। सी है इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, ये कब होता है, ये तब होगा जब डिस्टेंस आपका 1 मीटर से कम है, तो यस ऑल दीज आर करेक्ट, यही होता है कोरोना वायरस में कि आप खांसते या छींकते हैं, ड्रॉपलेट्स एयर में चले जाते हैं, आप वहां पे इनहेल करोगे, पर ये इनहेलेशन कब काम आएगा, वो सिर्फ 1 मीटर तक, इसलिए बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखो कम से कम, अब समझ में आया क्यों बोलते हैं, तो 1 मीटर का डिस्टेंस इसीलिए बना के रखने के लिए बोलते हैं। तो ये जो एयर ड्रॉपलेट्स है कोई अगर इनहेल करता है तो उससे हो सकता है उसको, ये एयर ड्रॉपलेट्स हो सकता है किसी सर्फेस पे गिर जाए, और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था सर्फेस पे इसका जो टाइम होता है स्टे करने का वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सर्फेस को आपने टच किया, उसके बाद आप घर आए, आपने मुंह हाथ पे हाथ लगाया, मुंह पे आँख पे नोज़ पे हाथ लगाया, तो इससे आपको इन्फेक्शन हो गया, इसलिए बार बार कहते हैं जब भी बाहर से आओ, क्योंकि पता नहीं आपने कौन सा सर्फेस टच किया है बाहर से आओ, तो उसके आने के बाद हाथ ज़रूर धो, इसलिए बार बार बोला जाता है हाथ ज़रूर धो। इन विच एज ग्रुप COVID-19 स्प्रेड्स, पहला COVID-19 अकर्स इन ऑल एज ग्रुप्स, दूसरा कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन, तीसरा ओल्डर पर्सन एंड पर्संस विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीरियस इलनेस या ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि पहला कि COVID-19 हर एज ग्रुप में हो सकता है, चिल्ड्रन में ये थोड़ा कम है, जो बूढ़े पर्सन है या जिनके पहले से कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन है उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये सब में, ऑल ऑफ द अबव, इन सब में, तो करेक्ट आंसर इज डी। देखिए ये बात तो सच है कि किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, ठीक है, ये बात सच है किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये एम्स ने फाइंड आउट किया है कि चिल्ड्रन को ये कम इन्फेक्ट करता है, इन्फेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इन्फेंट्स को इन्फेक्ट करने के चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन को ये कम इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, ओल्डर पर्सन जो भी, ये तो पता ही है जितनी भी आज तक डेथ हुई है इसकी वजह से, उनमें से ज़्यादातर लोग या तो उनको पहले से कुछ प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, या वो ऑलरेडी इतने बूढ़े हो गए थे कि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, तो उन्हीं लोगों में होता, मतलब सारे आंसर बिल्कुल ठीक है। वॉट इज कोरोना वायरस, अब ये क्या है, कोरोना वायरस क्या है, पहला इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, मतलब ये वायरसेस की एक बड़ी फैमिली है, इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ नीडो वायरस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए आर करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, डोंट वरी, जब आप प्रीमियर आओगे, जब ये लेक्चर प्रीमियर आएगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, पर मैं पहले देखना चाहती हूँ आपको कितना पता है इसके बारे में, ये नीडो वायरस का कहीं पे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सिर्फ ए करेक्ट है या दोनों करेक्ट है ये आपको बताना है। 8 द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन, पहला केस जो आया था नोवेल कोरोना वायरस का वो कब आया था, तो देखो पहला केस कब आया था, बीजिंग में, शंघाई में, वुहान में या तानजिन में, तो आपको मैंने बताया था कि जो पहला केस आया था इसका वुहान के सी फूड मार्केट में आया था, वुहान के सी फूड मार्केट से ये स्प्रेड हुआ था, ठीक है, और पहला केस वहीं देखने को मिला था, वहीं से ये आउटब्रेक फिर पूरे देश भर में फैल गया है, वहां से आउटब्रेक हुआ पूरे चाइना में, चाइना से हो गया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो पहला केस कहां पे था, वुहान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, इनमें से कौन सी डिजीज कोरोना वायरस से रिलेटेड है, मर्स, सार्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी, तो जब मैं आपको कोरोना वायरस पढ़ा रही थी मैंने आपको बोला था इसके 6 स्ट्रेन्स और अवेलेबल थे इससे पहले,
जिसमें से दो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बताए थे, मर्स और सार्स। ठीक है, मर्स है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जैसा नाम से पता चल रहा है, दोनों ही क्या है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब इनके भी क्या होंगे, बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स होंगे जैसे कोरोना वायरस के हैं। क्लियर, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। अब यहाँ पे इसमें से एक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इन दोनों में से एक होता है सिविट कैट्स की वजह से, सिविट कैट से ही स्प्रेड होता है, और दूसरा होता है कैमल की वजह से, जिसको कैमल फ्लू भी बोलते हैं। तो आपको मुझे ऑप्शन में बताना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मर्स और सार्स में से सिविट कैट से कौन सा फैलता है और कैमल की वजह से कौन सा ट्रांसमिट होता है। जहां तक इसकी बात है तो ये दोनों ही कोरोना वायरस है, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम, कोरोना वायरस को इसका नाम कहां से मिला है। पहला, ड्यू टू द क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, उनका क्राउन लाइक प्रोजेक्शन है, उनका लीफ लाइक प्रोजेक्शन है, क्योंकि उनका सरफेस स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिक्स जैसा है। तो जब मैं कल आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे सर्कुलर होगा, साइड प्रोटीन स्पाइक्स होंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रोटीन स्पाइक्स होंगी। अब इस प्रोटीन स्पाइक्स में इनमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है कुछ कैसा लग रहा है, क्राउन जैसा लग रहा है, ठीक है, ताज जैसा ये स्ट्रक्चर लग रहा है, क्राउन जैसा लग रहा है। क्राउन को लैटिन में कोरोना बोलते हैं, यहीं से इसका नाम पड़ा कोरोना वायरस। मतलब सही आंसर क्या होगा, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, जो क्राउन जैसा अपीयरेंस है उसकी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको लेसन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के बाद डू हिट द बेल आइकन, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप बेल आइकन को हिट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जब भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे। इसके अलावा भी आप में से जो बच्चे मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल रजनी झा 31 पेज पे आते, पता नहीं लिखा हो क्या हो जाता है, यहाँ लिख देते हो रजनी झा, रजनी झा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं खुद को। वहाँ पे जब भी कोई भी कोर्सेज आते हैं तो उसके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और जो बच्चे मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, वो मेरा फेसबुक पेज यूपीएससी विद रजनी झा, ठीक है, यूपीएससी विद रजनी झा पे पेज को लाइक कीजिए और वहां पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं अगर कोई आपका डाउट होता है तो। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, एंड मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करती हूँ, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो दिस इज आवर प्लेज टू क्रैक यूपीएससी सीएससी दिस टाइम, बहुत कम टाइम बचा है, इसको यूटिलाइज कीजिए, सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए और लेट्स क्रैक इट दिस टाइम। इसके अलावा यूपीएससी अनअकैडमी प्लस पे नेक्स्ट मंथ से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक कोर्स लाने वाली हूँ, फुल फ्लेजेड, क्योंकि यूट्यूब पे हमें सिर्फ आधे घंटे का टाइम होता है, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैं फुल फ्लेजेड कोर्स ला रही हूँ। तो आप ऐसे जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं वो ये कोर्स ज़रूर अटेंड करें। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो एक महीने के सब्सक्रिप्शन लेके देख लो, पर ये कोर्स ज़रूर अटेंड करना, इट्स अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।